चंद्रकांता सीरियल आ रहा है, पुराना वाला नहीं, एक नया सीरियल है। सुदेश बेरी जी हैं जिन्हें इंस्पेक्टर भारत के रूप में हमने देखा था, हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं क्या है चंद्रकांता में खास। सर बहुत बहुत स्वागत है पत्रिका.com पर आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। सर इस बार चंद्रकांता में क्या खास है? सबसे खास तो सुदेश बेरी है, और उससे खास अगर एक लाइन में डिफाइन हम करना चाहें तो पुरानी शराब नई बोतल। बोतल हॉलीवुड की है आई थिंक इस बार। नहीं, कोशिश की है। निखिल सिन्हा बहुत अच्छे मेकर हैं, बहुत अच्छे टेक्नीशियन हैं, वेरी फाइन ह्यूमन बीइंग, वेरी फाइन टेक्नीशियन। अपना काम जो आदमी जानता है उसके साथ काम करके मुझे बहुत सिक्योर्ड महसूस होता है। तो मुझे आप पे विश्वास है, आपको मुझ पे विश्वास है, तो मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। तो चंद्रकांता आज बनी है, इसके बाद शायद फिर बनेगी, उसके बाद शायद फिर बनेगी। तो ये लव स्टोरियाँ, कॉमेडी, एक्शन, ये फिल्में, ये जो ग्रंथ हैं ये बनते चले जाएंगे। बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है और जो एजुकेशनल वैल्यू है, ये दो वैल्यूज़ जो हैं उसमें रहें। तो ये दोनों वैल्यूज़ इस चंद्रकांता में आपको मिलेंगी। ये पूरी की पूरी जो सब्जी है बहुत खूबसूरत मिलेगी। प्लेटफॉर्म लाइफ ओके का है, और ऊपर टेक्निक निखिल सिन्हा जी की है, और उसमें थोड़ा सा नमक जो है वो सुदेश बेरी का है। ये है चंद्रकांता, लबो लबाब ये है। और हाँ, वो क्या कहते हैं, प्रेम या पहेली लाइफ ओके पे चंद्रकांता 4 मार्च से सैटरडे संडे रात 9 बजे। अब चंद्रकांता की बात आ गई, अब सुदेश बेरी से हम बात करते हैं। बॉलीवुड में बहुत सारे लोग कहते हैं बड़ा एरोगेंट है सुदेश बेरी में, मुझे नहीं लगता। 200 से ज्यादा फिल्में ठुकरा चुके हैं आप। ओए हाय हाय, तो क्या कारण है? नहीं होता आपका? मैं गर्लफ्रेंड्स और फिल्में गिनता नहीं। ओके, 200 का आंकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 25-30 सालों में मेरे बहुत सारे कलीग एक्टर्स जो हैं वो 200 फिल्में कर चुके हैं। तो हो सकता है मैंने 200 रिव्यूज़ की हों, 400 कर चुके हैं, कईयों ने तो 700 फिल्में की हैं विदाउट नेमिंग एनीबडी। वो एक्टर्स जो हैं वो अपनी मेंटेलिटी के साथ जीते हैं। हर आदमी यहाँ पर आया है करियर बनाने, पैसा बनाने, तो मेरा मोटो वो नहीं है। हो सकता है मेरा बॉडी लैंग्वेज अलग है, मेरी मेंटल स्टेट ऑफ माइंड अलग है। मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर पिछले हजारों सालों से, मेरे ग्रैंडफादर आए थे अमृतसर से पार्टीशन से पहले, तो मैं 90 सालों से, तो जितना मुझे ये आंकड़े याद हैं, 4 बंगले में रहता हूँ, जहाँ इंडस्ट्री का जो गर्व है, जहाँ पुराने ज़माने में बहुत सारे ऐसे मेकर्स आए थे जो आज बंगलोज में रह रहे हैं, पाली हिल पर, यहाँ वहाँ बड़े अच्छे शायर, बड़े अच्छे फिल्म मेकर्स, बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स, बड़ी बड़ी कमाल फिल्में बनाई उन्होंने। तो वो बियॉन्ड मनी है, वो सिर्फ पैशन लेके आए थे, अपने दिलों में एक प्यार लेके आए थे, एक आग लेके आए थे, एक जज्बा लेके आए थे, और एक पैकेज लेके आए थे, टैलेंट का पैकेज भी, तो अपना डेस्टिनी भी लेके आए थे, मुकद्दर भी। तो वो सारे लोग जो हैं आज जो हैं वो इंडस्ट्री के स्तंभ हैं, पिलर्स हैं वो। तो वहाँ मैं पैदा हुआ, तो मुझे फील मिली। कहते हैं ना, वो धरती भी बोलती है, वो आबो हवा भी बोलती है, आब और हवा दोनों बोलती हैं। कहाँ जा रहे हो? आबो हवा बदलने जा रहे हैं। तो इसीलिए मेरी जो आबो हवा है वो इंडस्ट्री के गर्भ में मैं हूँ, 4 बंगले में। तो किस बात की कमी है? मैं क्यों दौड़ूँ किसी मृग तृष्णा के पीछे? क्यों दौड़ूँ? भगवान राम के हाथ भी सोने का हिरण नहीं लगा, तो किसके हाथ में लगेगा? अच्छा, सुदेश के पापा सुदेश को बॉक्सर बनाना चाहते थे, लेकिन सूरज के पापा क्या बनाना चाहते सूरज को? सुदेश, अच्छा सूरज के पापा, हाँ बड़ी कमाल, ये तो बात अच्छी हुई। अब मैं सूरज जो बच्चा है मेरा, मैं क्या बनाना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है। देखो, अगर बनाने की बात होती तो यश चोपड़ा के दोनों बेटे सुपरस्टार होते, करण जौहर खुद सुपरस्टार होता, खुद सुपरस्टार होते ना। वो बाहर से किसी को भाड़े से क्यों मंगाते कि भाई दिल्ली से एक भाड़े से मंगाता हूँ, वहाँ से एक्टर मंगाते, ये नहीं होता। ये होता है कि हम कोशिश करेंगे, क्योंकि श्री आचार्य बच्चन जी ने कहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियाँ सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर हर बार खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। करेक्ट है?
एक लास्ट सवाल है जी, बस्ती में अभी आप गए थे तो इसलिए नहीं पूरा नहीं हुआ, तो इसलिए सूरज बेरी जो मैं क्या बनाना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट भी है, लेकिन ईश्वर और कायनात क्या बनाना चाहती है वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो इसलिए सूरज बेरी जो बेटा है वो स्टार मटेरियल है, उसमें बात है, जरासीम है, उसके रूए रूए में एक्टिंग है, तो कोशिश करेंगे, बाकी आप लोगों की सपोर्ट और ईश्वर के आशीर्वाद, ब्लेसिंग। 10 फरवरी को निर्दलीय कैंडिडेट का आप चुनाव प्रचार करने बस्ती गए थे, जजेस पे बड़ा बड़क उठे थे, क्या सर जुडिशियल जो हमारे देश का जुडिशियल सिस्टम है उस पर क्या आपको लगता है कि न्याय बहुत देर से मिलता है, तारीख पे तारीख चलती रहती है, आपका स्टेटमेंट था वहाँ पर जजेस को लेकर? परिवर्तन संसार का नियम है, अच्छे के लिए परिवर्तन हो रहा है। नॉस्ट्रोडामस ने क्या कहा और विधि के विधान क्या कहता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये फैक्ट है कि एक इंसान आया है, एक बिल्डिंग को गिराने में अगर 60 साल लगे, सुन लीजिए ये अनुपात सुन लीजिए, एक बिल्डिंग को बनाने में 5 साल लगते हैं, गिराने में 5 मिनट लगते हैं, अगर उसी बिल्डिंग को गिराने में 60 साल लगे तो बनाने में कितने लगेंगे? 600 साल, सुन लीजिए, अगर एक बिल्डिंग को बनाने में 5 साल लगते हैं, गिराने में 5 मिनट लगते हैं, अगर उसी बिल्डिंग को गिराने में 60 साल लगे तो बनाने में कितने लगेंगे? 600 साल, हुए कितने? 2। शांति रखिए, सब अच्छा ही होगा, परिवर्तन संसार का नियम है, नरेंद्र मोदी जी आए हैं, देश का उद्धार होगा ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। और तभी सब कहेंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये देश भी अच्छा, देश भी आगे बढ़ेगा, स्वदेश भी आगे बढ़ेगा। अच्छा, ये अपील हमारे व्यूवर्स को कब देखें शो? देखिएगा प्रेम या पहेली चंद्रकांता लाइफ ओके पे सैटरडे संडे रात 9 बजे 4 मार्च से। स्वदेश बेरी आप देखिएगा एक नए अवतार में, एंड यू विल रियली एंजॉय, प्लीज, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। तो ये थे स्वदेश बेरी, जिनको नए अवतार में देखने के लिए आपको 4 मार्च तक का इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन देवेंद्र गोरी के साथ विकास वर्मा, पत्रिका.com, भोपाल।